सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ही समय पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कमाल की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको डेवलपर ऑप्शंस या डेवलपर सेटिंग के बारे में बताया था, जो आपको हर एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिल जाती है। तो उसमें मैंने कुछ यूज़फुल फीचर्स बताए थे, और भाई उसके बाद से बहुत से लोगों को सवाल आने लगे कि इस सेटिंग को हम रिमूव कैसे करें। ऑफ़ तो हो जाती है, बट हमें सेटिंग से ही ये रिमूव करनी है। तो आज यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से आप डेवलपर ऑप्शंस को अपने फ़ोन की सेटिंग्स से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि क्या मेरी डेवलपर सेटिंग ऑन है, जो मैं चलता हूँ अपने फोन की सेटिंग्स में। तो ये हम आ चुके हैं सेटिंग्स में। अब सबसे लास्ट में आते हैं developer options. So ये रहा developer options. इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। developer options, running services. तो ये मिल चुका है developer options. अब मैं आ जाता हूँ back. Home camera, out of list. अब आपको करना क्या है? आपको अपनी settings का data clear करना है. But सुन लीजिए एक बार. बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि डेटा क्लियर करने से हमारे फ़ोन में जो हमने सेटिंग्स की हुई हैं वो हिल जाएंगी, यार ये तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रकार की सेटिंग आपके फ़ोन में नहीं हिलेगी। आपको चलना है सेटिंग के एप्लीकेशन इन्फो में। Settings. मैं रिसेंट ऐप्स में आ गया, एप्लीकेशन इन्फो में गया, स्टोरेज में जाऊँगा मैं, और यहाँ मैं क्लियर डेटा को फाइंड करूँगा और मैं क्लियर डेटा कर दूंगा एंड डिलीट कर देते हैं। सो अभी ये डिलीट हो रहा है और अब ये फाइनली डिलीट हो चुका है। देखिए, अब हम चलते हैं फिर से अपनी सेटिंग्स में और देख लेते। देखिए, अगर सेटिंग हिली होती तो हमारा टॉकबैक ऑफ हो गया होता, लेकिन टॉकबैक नहीं ऑफ हुआ ना, तो सेटिंग हमारी नहीं हिली है, किसी भी प्रकार की सेटिंग नहीं हिली। तो मैं चलता हूँ सेटिंग्स में और अब देखते हैं हमारा डेवलपर ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं हुई है वीडियो में। तो ये देखिए, डेट एंड टाइम के बाद आ रहा था ये और अबाउट डिवाइस से पीछे आ रहा था, अब नहीं है। देखिए, ये अबाउट डिवाइस, डेट एंड टाइम, बैटरी एंड स्टोरेज, लैंग्वेज एंड इनपुट, बैकअप एंड रीसेट। तो देखिए, अबाउट डिवाइस, अब अगर मुझे इसे फिर से एक्टिवेट करना था, मैं अबाउट डिवाइस में इसे दोबारा एक्टिवेट करूंगा। सॉफ्टवेयर स्टेटस, लीगल इंफॉर्मेशन, डिवाइस नेम, मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर इन, बिल्ड नंबर पे जाएंगे हम लोग, सिक्योरिटी, अभी देखिए इनेबल होगा, यहाँ पर करते हैं इनेबल हम। अबे कहाँ गया? ये रहा, तो मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो इनेबल हो चुका है। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे डेवलपर ऑप्शंस फिर से आ चुका है। तो यही है एक सिंपल सा, बस आपको अपने फोन की सेटिंग्स का डेटा क्लियर कर देना है, इससे आपके फोन की किसी भी प्रकार की सेटिंग नहीं मिलेगी और डेवलपर ऑप्शंस रिमूव हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपका डेवलपर ऑप्शंस रिमूव हुआ या नहीं, कमेंट करना मत भूलेगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 70% अब लोग आगे हैं, 70% हो जाता है सब्सक्राइब, बट 30% अभी भी नहीं होता है, तो 30% लोग सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।